काई में आप सभी का स्वागत है। मेकअप करना लगभग हर लड़की को पसंद होता है। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने के लिए लड़कियां तैयार होना पसंद करती हैं, और वो मेकअप ट्रेंडी होना चाहिए। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में भी मेकअप करने के बहुत से तरीके चलन में आए, लेकिन साल 2020 के शुरू होने के साथ ही वो सारे ट्रेंड खत्म भी हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे मेकअप ट्रेंड हैं जो इस साल कह देंगे अलविदा। हाइलाइटिंग ट्रेंड। अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल वाले वीडियो में चेहरे के, नाक के, चिन के, गाल के ऊपरी हिस्से को हाइलाइटिंग करने का खूब ट्रेंड नजर आया। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2019 में ये ट्रेंड था, लेकिन अगले साल ये मेकअप ट्रेंड खत्म हो जाएगा। ग्लिटर। ग्लिटर त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। अगर अभी तक आपने ग्लिटर वाले फेस मास्क, लिपस्टिक और आईलाइनर खरीद रखे हैं, या फिर केवल ग्लिटर लगाना पसंद करते हैं, तो अब ये मेकअप ट्रेंड फैशन से बाहर हो रहा है। कई सालों से इंस्टाग्राम ब्रो का फैशन शुरू हुआ था। इसमें आईब्रो जेल से ब्रो को सही आकार दिया जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि आगे की तरफ से ये आईब्रो हल्की और नेचुरल लगती है, लेकिन पीछे की तरफ से इससे आईब्रो को बिल्कुल गाढ़ा कर दिया जाता है और परफेक्ट शेप दिया जाता है। लेकिन ये आईब्रो फैशन अब ट्रेंड से बाहर हो जाएगा। जी हाँ, साल 2019 में अब ये फैशन ट्रेंड अलविदा कह देगा। साल 2017 की शुरुआत में मेटेलिक लिप कलर का ट्रेंड शुरू हुआ था और ये खूब चला, लेकिन आपको बता दें कि साल 2019 में इस कलर के लिपस्टिक बहुत ही रेयर नजर आए। न्यूट्रल शेड के टाइम से मेटेलिक लिप कलर बिल्कुल भी फैशन से बाहर हो जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।